हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे नेट जून 2015 के सेकंड पेपर को। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस सीरीज के पहले क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं, यह किसका विचार है? ठीक है, यानी हमसे पूछा गया है कि प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं, यह किसका विचार है? तो फ्रेंड्स, ये जो विचार दिया था ये विचार है यानी नेचुरल एंड सोशल साइंस। तो नेचुरल एंड सोशल साइंस का जो विचार था वो दिया था ऑगस्ट कॉम्ट जी ने। किसने? ऑगस्ट कॉम्ट जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन वन। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स सूची मिलाना है, ये अवधारणा है और ये इनके समाजशास्त्री हैं। तो आइए देखते हैं किसने कौन सी अवधारणा दी है। ठीक है, भूमिका की आंतरिक संरचना तो ये किसने दिया है? ये दिया है एस एफ नॉडल जी ने दिया है। ठीक है, और मिथक की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ मिथ तो ये दिए हैं लेवी स्ट्रास। ठीक है, किसने दिया है मिथक की संरचना? ये लेवी स्ट्रास दिए हैं। ठीक है, और अनुष्ठानों के प्रकार यानी सी का हो जाएगा वी। ठीक है, अनुष्ठानों के प्रकार यानी फंक्शन ऑफ रिचुअल्स तो ये किसने दिया है? ये दिया है रेडक्लिफ ब्राउन जी ने। किसने दिया है फ्रेंड्स? रेडक्लिफ ब्राउन जी ने दिया है, यानी सी का हो जाएगा फिफ्थ। और मूल तथा व्युत्पन्न आवश्यकताएं, ठीक है, तो बेसिक एंड ड्राइव नीड्स की बात कौन करता है? ये करते हैं मैलिनोवस्की। ठीक है, तो डी का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा थ्री। ठीक है, ऑप्शन थ्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है ये फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी कई बार एग्जामिनेशन में आ चुकी है। ये किसकी बुक है? ये है रेडक्लिफ ब्राउन जी की बुक। किसकी बुक है फ्रेंड्स? रेडक्लिफ ब्राउन जी की। ठीक है, तो आप लर्न करके रखिएगा, ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा है कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं? ठीक है, किसने कहा है कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं? तो ये किसने कहा है? ये कहा है लेवी स्ट्रास जी ने। किसने कहा है फ्रेंड्स? ये कहा है लेवी स्ट्रास। तो ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये बुक्स हैं और ये इनके राइटर हैं। तो आइए हम इसको मैच करते हैं कि किसने कौन सी कृतियां लिखी हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, बहुत ही जो है फेमस बुक है। ये किसकी बुक है फ्रेंड्स? ये है मैलिनोवस्की जी की। ठीक है, तो ए का हो जाएगा सेकंड। और अंडमान आइलैंडर्स, ये किसकी बुक है? ये है रेडक्लिफ ब्राउन जी की। किसकी है? अंडमान आइलैंडर्स, ये रेडक्लिफ ब्राउन जी की हो जाएगी। और एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ यानी सी का हो जाएगा वन, यानी दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम जी की बुक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बुक है, ये है लेवी स्ट्रास जी की, यानी डी का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे आया था मैचिंग में कि मूलभूत आवश्यकताएं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आया है इसी सीरीज में। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा यही पूछ लिया है क्वेश्चन में कि मूलभूत आवश्यकताएं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, यानी फंक्शनल थ्योरी बेस्ड ऑन बेसिक एंड ड्राइव्ड नीड्स। ठीक है, अभी वहां पे हमने आपको बताया था, तो ये किसने दिया था फ्रेंड्स? मैलिनोवस्की जी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मैलिनोवस्की। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ये बुक नेट 2018 में भी पूछी गई थी, एकदम सेम
कि साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर बुक नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो देखिए मैलनोवस्की जी ने ये बुक लिखी है, ठीक है, इसको आप लर्न करके रखिएगा। ये मैलनोवस्की जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यांत्रिक और सावीवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है, ठीक है। यांत्रिक और सावीवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है, तो ये बताना है। सिंपल सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे अंतर किसने किया है फ्रेंड्स, ये किए हैं इमाइल दुर्खीन जी। कौन करते हैं, इमाइल दुर्खीन जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। कार्यपरक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए, कार्यपरक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए विकल्पों की अवधारणा, ठीक है, विकल्पों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि कार्यपरक यानी यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, ठीक है, फंक्शनल अल्टरनेटिव्स की अवधारणा को किसने दिया है, तो ये फ्रेंड्स सबसे पहले जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे आर के मार्टन, ठीक है, आर के मार्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2018 के जून में आया हुआ था, ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। सामान्यकृत अन्य और सामान्यकृत अन्य और वहीं पे लिखा रहता है महत्वपूर्ण अन्य, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सामान्यकृत अन्य यानी जनरलाइज अदर्स की धारणा किसने प्रस्तुत की थी फ्रेंड्स, तो कभी कभी ये भी आ जाता है कि सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य, तो वो भी एक ही लोग दिए हैं, जी एच मीर जी। कौन दिए हैं, जी एच मीर जी ने ये अवधारणा दी थी सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य, ठीक है। तो सामान्यकृत अन्य यानी जनरलाइज अदर्स की जो धारणा प्रस्तुत की है वो दी है जी एच मीर महोदय ने, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। सारणी को हमें मैच करना है, ठीक है, यहाँ पे प्रविधियां हैं, उनका मेथड है और ये उनके चिंतक हैं। तुलनात्मक विधि, ठीक है, तो तुलनात्मक विधि यानी ये हो जाएंगे तुलनात्मक विधि के ए का हो जाएगा सेकंड, ठीक है, इमाइल दुर्खीम, ठीक है, कंपरेटिव मेथड यानी इमाइल दुर्खीम, और वस्त्रेहन के हो जाएंगे मैक्स वेबर, ठीक है, तो बी का हो जाएगा थर्ड यानी वस्त्रेहन मेथड जो है ये मैक्स वेबर। और ये ऐतिहासिक विद यानी ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स, सी का वन, ठीक है, और आदर्श प्रकार विद यानी डी का हो जाएगा थर्ड। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन में कुछ गलत दिया गया है, तो डी में भी थर्ड यानी आदर्श प्रकार जो विधि है आइडियल टाइप मेथड ये भी कौन देते हैं, मैक्स वेबर जी ही देते हैं, ठीक है, और वस्त्रेहन भी मैक्स वेबर से ही रिलेटेड है, तो इस प्रकार से दो दो जगह है, तो इसको हम ऑप्शन वन को ही मान के चलेंगे, लेकिन इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आयोग ने इसका आंसर जो है वो डिलीट कर दिया था, लेकिन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मीड के अनुसार सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य के रचयिता हैं, ये भी फ्रेंड्स 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि मीड के अनुसार सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य के रचयिता कौन है, ठीक है। तो ये जो मीड के अनुसार जो सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य के जो रचयिता है ये है मुझको, ठीक है, ये क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी हो जाएगा मुझको, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी मी, ठीक है, मी जो है ये सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य के रचयिता है, ठीक है, तो मी इसका कॉन्सेप्ट होगा यानी मुझको, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि सरकार की किस प्रणाली में विल्फ्रेड पेरेटो ने लोमड़ी की तरह के श्रेष्ठ जन यानी फोक्स टाइप ऑफ इलीट्स को उदाहरण के रूप में दिया है, ठीक है, तो किस उदाहरण को दिया था फ्रेंड्स, यूरोपीय लोकतंत्र, सैन्य तानाशाही या आधुनिक विशिष्ट वर्ग या राजनीतिक लोकतंत्र, तो वो देते हैं फ्रेंड्स राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र को देते हैं कि शेर और लोमड़ी की तरह, ठीक है, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरेटो की तार्किक कार्रवाई पर लागू होता है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरेटो की तार्किक कार्रवाई पर लागू होता है, ये फ्रेंड्स अभी इस बार हायर एजुकेशन में आया था, हायर एजुकेशन में इस बार ये 2016 का जो हायर एजुकेशन पेपर अभी हुआ था ये
आया हुआ था, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा पेरेटो की तार्किक कार्रवाई पर लागू होता है। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है, उद्देश्य पर तार्किक क्रिया, ठीक है, यानी ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उद्देश्य पर तार्किक क्रिया जो है ये पेरेटो की तार्किक कार्रवाई पर लागू होता है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है। तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स, ये एले कोजर जी, किसने, एले कोजर, तो ये कोजर महोदय थे जिन्होंने ये विचार दिया था, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे, लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल शब्द के जनक कौन थे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम आपको 2012-13 में भी आया था, लाइफ चांसेस एंड लाइफ स्टाइल, तो ये तो आपको याद ही होगा मैक्स वेबर। इस शब्द के जनक कौन थे, लाइफ चांसेस एंड लाइफ स्टाइल, तो ये मैक्स वेबर यानी जीवन शैली, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम संबद्ध है, ठीक है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम संबद्ध है ये बताना है। तो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से जो फ्रेंड्स नाम जुड़ा है वो है मैक्स वेबर जी का, ठीक है, मैक्स वेबर यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तकनीकी में वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यानी तकनीकी में तीव्र वृद्धि हो जाए और सामाजिक संस्था और हमारी जो परंपरा है विश्वास में वो धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं सांस्कृतिक विलंबना। क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं, ठीक है। और ये सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी थी फ्रेंड्स, ये दी थी आगबन जी ने, किसने दिया था, आगबन जी ने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी थी। तो कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि सांस्कृतिक विलंबना की जो अवधारणा है वो किसने दी है, ठीक है, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा, आगबन महोदय ने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी थी, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित चिंतकों में से उद्विकासवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है, निम्नलिखित चिंतकों में से उद्विकासवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है, तो वो कौन थे फ्रेंड्स, वो थे अगस्त कॉम्ट जी, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन थ्री होगा, अगस्त कॉम्ट जी उद्विकासवाद सिद्धांत के प्रवर्तक थे, ठीक है, ये आप लर्न करके रखिएगा, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अमेरिका में झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के अध्ययन में सहभागी अवलोकन का किसने प्रयोग किया है, ठीक है, अमेरिका में झुग्गी झोपड़ी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन का किसने प्रयोग किया है, तो किसने प्रयोग किया था फ्रेंड्स, ये किया था डब्ल्यू एफ व्हाइट जी ने, ठीक है, डब्ल्यू एफ व्हाइट जी ने ये प्रयोग किया था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन नेट 2018 में पूछा गया था, ठीक है। कभी कभी हमसे ये पूछ लेते हैं कि सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये भी यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा, आप लर्न करके रख लीजिएगा या नोट भी कर सकते हैं कि सहभागी अवलोकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो किए थे लिंडमैन महोदय जी ने, किसने किया था फ्रेंड्स, वो किए थे लिंडमैन महोदय सहभागी अवलोकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है। तो अगर डब्ल्यू एफ व्हाइट है और लिंडमैन है, तो अगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाएगा तो हम वहां पे लिंडमैन लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है कि झुग्गी झोपड़ी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किसने किया है, तो ये किए थे डब्ल्यू एफ व्हाइट जी ने, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, हाँ, तो व्हाइट कॉलर क्राइम, इन्होंने एक बुक लिखी थी डब्ल्यू एफ व्हाइट जी ने, तो ये भी आप लर्न करके रखिएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं, ठीक है, यानी मौखिक इतिहास विधि से हम किसका संकलन करते हैं, ठीक है, यानी ओरल हिस्ट्री मेथड से हम किस विधि का जो है संकलन करते हैं ये हमें बताना है। तो हम किसका करते हैं फ्रेंड्स, जीवित लोगों के, ठीक है, जीवित लोगों के संस्मरण का, ठीक है, तो ये आप लर्न करके रखिएगा। मौखिक इतिहास विद के माध्यम से किसका संकलन किया जाता है, जो लोग जीवित हैं, ठीक है, जीवित लोगों के संस्मरण का, यानी ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैलाव को नापने के पैमाने औसत और मानक विचलन क्या दिखाते हैं, ठीक है, जो फैलाव है, ठीक है, फैलाव को नापने के पैमाने औसत और मानक विचलन, ठीक है, क्या दिखाते हैं, तो ये क्या दिखाते हैं फ्रेंड्स,
ये दिखाते हैं एक और दो दोनों, यानी असमानता का परिणाम और समानता का परिणाम। ठीक है, असमानता का परिणाम और समानता का परिणाम, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, ए और दो दोनों इसमें हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि आर के मर्टन के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण में निम्न में से क्या शामिल होता है। ठीक है, आर के मर्टन जी के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण में निम्न में से क्या शामिल होता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया है एक आयामी वर्गीकरण, ठीक है, और प्रतीकों की गणना, अभियान विश्लेषण और गुणात्मक विश्लेषण। फ्रेंड्स इसका जो जो राइट आंसर है वो आयोग ने इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो आप इसे इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर किसी को पता होगा। ठीक है, मैं सर्च करूंगी, अगर मुझे पता चलता है तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर इसको अपडेट कर दूंगी। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 23 ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर मुझे पता चलता है मैं सर्च करके फिर वहां पे कमेंट बॉक्स में 23 का जो ऑप्शन है मैं वहां पे इसको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन से औसत की केवल बंद सिरों वाली सारणी से ही गणना की जा सकती है, यानी कौन सा ऐसा माप है जिसकी बंद सिरों वाली सारणी से ही गणना की जा सकती है। तो वो फ्रेंड्स कौन कौन है, यानी वो माध्य भी है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, यानी उपरोक्त सभी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसको आप लर्न करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अन्योन श्रेयता निम्न में से किसके मध्य सह परिवर्तनीयता का स्तर बढ़ाता है। ठीक है, यानी अन्योन श्रेयता जो है वो किसके मध्य सह परिवर्तन परिवर्तनीयता का स्तर बताता है, तो किसके मध्य बताता है फ्रेंड्स, ये बताता है एक गुणात्मक चर और एक परिणामात्मक चर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अभी 2019 के नेट एग्जामिनेशन में आया था। ठीक है, इसी बार, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा, हो सकता है आगे फिर हमें मिल जाए। ठीक है, एक गुणात्मक चर और एक परिमाणात्मक चर, तो ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक और दूसरे गुणात्मक चरों के बीच सह परिवर्तन की मात्रा की माप कर सकता है। ये भी क्वेश्चन अभी 2019 के जून वाले एग्जामिनेशन में ये भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो अगर आप जाएंगे देखेंगे 2019 का जो पेपर उठाएंगे उसमें भी ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक और दूसरे गुणात्मक चरों के बीच सह परिवर्तन की मात्रा की माप कर सकता है। यानी ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ये, यानी ये 2015 का देखा जाए तो सेकंड पेपर में आया हुआ था, और 2019 के जून के पेपर में ये दोनों पेपर जो ये दोनों क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे ये दोनों सेम क्वेश्चन रिपीट हुए थे। यानी ऑप्शन थ्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा काई स्क्वायर। ठीक है, एक गुणात्मक और दूसरे गुणात्मक चरों के बीच सह परिवर्तन की मात्रा की माप कर सकता है काई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसने यह तर्क दिया है कि प्रत्याशित सामाजिकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है। ठीक है, यह किसने तर्क दिया है कि प्रत्याशी सामाजिकरण संदर्भ समूह के कारण होता है। ठीक है, तो ये किसने दिया है फ्रेंड्स, ये दिया है आर के मार्टन जी ने। अब इसी पे फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सर्वप्रथम संदर्भ समूह की व्याख्या किसने की थी, यानी सर्वप्रथम संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो वो किए थे H.H. हाईमैन महोदय। किसने किया था फ्रेंड्स, H.H. हाईमैन, तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भूमिका पुंज में भूमिका निर्वहन हेतु तरीकों के बारे में किसने लिखा है। ठीक है, भूमिका पुंज में भूमिका निर्वहन हेतु तरीकों के बारे में किसने लिखा है, तो हमें ये बताना है, यानी रोल सेट। ठीक है, तो ये किसने बताया फ्रेंड्स, ये बताए हैं आर के मर्टन जी। ठीक है, आर के मर्टन जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लर्न करके इसको रख लीजिएगा। बेबर के अनुसार प्रस्थित वर्ग निम्न द्वारा चिन्हित किए जाते हैं, तो जो बेबर के अनुसार प्रस्थित वर्ग है वो किसके द्वारा चिन्हित किए जाते हैं फ्रेंड्स, वो किए जाते हैं व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय के माध्यम से। ठीक है, तो इसको आप ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि डॉक्टर ने महिला की जांच करने के बाद कहा कि श्रीमती जोन्स आपके लिए खुशखबरी है, तब महिला ने प्रतिक्रिया में कहा मैं कुमारी जोन्स हूँ, श्रीमती जोन्स नहीं।
तब डॉक्टर ने कहा, यदि ऐसा है तो बुरी खबर है। यह निम्न संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किस एक का उदाहरण है? ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? ये है मान्यता। ठीक है, किसका? मान्यता, यानी ये वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? मान्यता। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच सामान्य हित सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच सामान्य हित और अवस्थित की जागरूकता निम्न रूप में ज्ञात है। ठीक है, तो किसके रूप में ज्ञात है फ्रेंड्स? ये है वर्ग चैतन्य, यानी क्लास कॉन्सियस। ठीक है, क्लास कॉन्सियस, तो वर्ग चैतन्यता ये कहलाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच सामान्य हित और अवस्थित की जागरूकता निम्न में से किसके रूप में ज्ञात है, जो कि मार्क्स कहते हैं, तो वो कहते हैं वर्ग चैतन्यता, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की अभिलक्षण विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की अभिलक्षण विशेषता नहीं है, तो हमें ये बताना है। तो क्या नहीं है फ्रेंड्स? आइए हम देखते हैं। अतिक्रमिक वर्गीकरण ये है। ठीक है, अनुलंब गतिशीलता ये भी है, प्रदत्त प्रस्थित होती है ये भी है। हमने आपको भी पहले वाले ऊपर जो है जून 2014 के थर्ड पेपर में बताया था कि जात में क्या होती है, प्रदत्त प्रस्थित होती है, यानी हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये अंतःविवाही संस्करण ये नहीं है। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है कि अंतःविवाही संस्करण। ठीक है, ये नहीं है, यानी इंडोगैमस स्ट्रा। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि अलग अलग समय पर आंकड़ों के संग्रहण को शामिल करते हुए अध्ययन प्रारूप निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, अलग अलग समय पर आंकड़ों के संग्रहण को शामिल करने हेतु अध्ययन प्रारूप निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, तो वो किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? उसे कहते हैं देशांतरीय अध्ययन। क्या कहेंगे? देशांतरीय अध्ययन। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। ठीक है, तो देशांतरीय अध्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा 4। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोगों अथवा समूहों का निम्न स्थितियों के उच्चतर अवस्थितियों पर पहुंचना निम्न में से क्या कहलाता है? यानी जो लोग मान लिया निम्न समूह में हैं और निम्न अवस्थित से उच्चतर अवस्थित में पहुंच जाते हैं। ठीक है, मान लिया जैसे तैयारी कर रहे हैं हम और सर्विस लग जाती है, तो हम निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? उन्नतिशीलता। क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी उन्नतिशीलता, यानी अपवार्ड मोबिलिटी। ठीक है, ये अपवार्ड मोबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो इसको आप लर्न करके रखिएगा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि शोध के लिए विवेचनात्मक दृष्टिकोण जिसमें सिद्धांत निगमात्मक रूप से व्युत्पन्न किए जाने के बजाय केवल आंकड़ों की जांच से ही जनित है, यह निम्न रूप में से कौन है? ठीक है, शोध के लिए विवेचनात्मक दृष्टिकोण जिसमें निगमनात्मक रूप से व्युत्पन्न किए जाने के बजाय केवल आंकड़ों की जांच से ही जनित है, यह निम्न रूप में से कौन है? ठीक है, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका भी जो आंसर है वो आयोग ने इसको डिलीट कर दिया है, तो इसको भी अगर हमें मिलेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में इसको अपडेट कर दूंगी। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक परिकल्पना जो सुझाव देती है कि अध्ययन के दौरान परिवर्तियों के बीच कोई संबंध नहीं है। ठीक है, एक परिकल्पना जो सुझाव देती है कि अध्ययन के दौरान परिवर्तियों के बीच कोई संबंध नहीं है, यह निम्न रूप में से कौन सी है? ठीक है, यानी एक ऐसी परिकल्पना है जो अध्ययन के दौरान परिवर्तियों के बीच कोई संबंध ही नहीं है या डिसाइड नहीं करती, तो ये क्या कहलाएगी फ्रेंड्स? ये कहलाएगी शून्य परिकल्पना, यानी नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है फ्रेंड्स, 2017-2018 में भी ये आया हुआ है, 2019 में भी आया है। ठीक है, तो इसको आप लर्न करके रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें आगे भी ये मिल सकता है। ठीक है, समाज के अध्ययन में अगस्त कॉम्प्ट ने कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रयोग किया था, हमें ये बताना है। ठीक है, तो क्या किया था फ्रेंड्स? इन्होंने किया था प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, यानी फंक्शनल प्रस्पेक्टिव। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ये तो कार्ल मार्क्स जी करते हैं। ठीक है, तो ये हमें लर्न करके रखना है कि प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का यूज किया था अगस्त कॉम्प्ट जी ने। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सूची दी गई है और हमें उसे मैच करना है, ठीक है। इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज, ठीक है, इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज। तो ये बुक किसने लिखी है फ्रेंड्स? ये बुक लिखी है ए का, यानी बी, यानी मक्सिन मैरियट ने, ठीक है, यानी मैकिम मैरियट, ठीक है। यहाँ पे मस्किन मैरियट लिखा है, लेकिन ये हमें लग रहा है मैकिम मैरियट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज जो बुक लिखी है, ये लिखी है मक्सिन मैरियट ने, ठीक है। और बी यानी इंडियन साधु, ये लिखी है जी एस घुरिया जी ने, ठीक है। इंडियन साधु जो बुक है, ये लिखी है जी एस घुरिया जी ने। और एक बुक इसी में फ्रेंड्स और आती है, साधुज ऑफ इंडिया। तो जब साधुज ऑफ इंडिया रहेगा तो वो बी डी त्रिपाठी जी की बुक हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बुकें साथ में ही इसीलिए हम बता दे रहे हैं ताकि आप लर्न कर लीजिए। इंडियन साधु जब होगा तो जी एस घुरिए, लेकिन साधुज ऑफ इंडिया तो वो हो जाएगी बी डी त्रिपाठी जी की बुक, ठीक है। तो बी का हो जाएगा थर्ड, ठीक है। और सी यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो सी का हो जाएगा फ्रेंड्स फोर्थ, यानी एस सी दुबे जी की बुक है। किसकी है? एस सी दुबे। और होमो हायरार्कस, ये मैं आपको अभी जो पेपर मैंने करवाया था इसके पहले वाले में, उसमें भी दो तीन बार ये बुक आई थी होमो हायरार्कस, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये है ल्यूस ड्यूमोंट जी की। किसकी है? ल्यू ड्यूमोंट जी की होमो हायरार्कस जो बुक है, यानी डी का हो जाएगा सेकेंड। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वन, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी फ्रेंड्स देखिए, ये सूची है, हमें इसे मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे ये बुक है पॉजिटिव फिलॉसफी, ठीक है, पॉजिटिव फिलॉसफी बहुत ही फेमस बुक है कॉम्ट जी की। किसकी है? कॉम्ट जी की, यानी ए का हो जाएगा सेकेंड। और ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये किसकी बुक है फ्रेंड्स? ये है कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। और सिंथेटिक फिलॉसफी ये है स्पेंसर, ठीक है, ये स्पेंसर जी की है। और द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये है मैक्स वेबर, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये हो जाएगा मैक्स वेबर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वन, ठीक है, ऑप्शन वन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सभी प्रतीयमान को संविष्ट मनाते हुए जो कि मानव जीवन से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, यानी विल और दी विप्स, ठीक है। ये जो टर्म्स है फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये कई जगह हायर एजुकेशन पीजीटी और नेट में भी आ चुका है, ठीक है। तो ये विल और दी विप्स जो लिखा है, ये टर्म्स ये आप लर्न कर रखिएगा, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये जॉर्ज सीमेल, ठीक है, ये जो टर्म्स का जो यूज किया था, ये किया था जॉर्ज सीमेल जी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थ्री, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया है कि समुदाय वर्ग का समानार्थी है, ठीक है, यानी किसने ये कहा है कि जो समुदाय होता है वो वर्ग का समानार्थी होता है? तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? ये कहा है लोए महोदय ने। किसने? लोए, यानी ऑप्शन टू इसका राइट आंसर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लोग और संस्कृतियां अपने उनके परिवेशों के भीतर के अध्ययन की पद्धति के रूप में निजात विज्ञान का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लोग और संस्कृतियां अपने उनके परिवेशों के भीतर के अध्ययन की पद्धति के रूप में निजात विज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो ये कौन कहता है फ्रेंड्स? ये कहते हैं हेराल्ड गॉरफिंगल, ठीक है, हेराल्ड गॉरफिंगल ने ये कहा है, ये आप लर्न करके रखिएगा, ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स कथन दिया गया है कि एनके बोस ने भारतीय समाज के अध्ययन में, एनके बोस ने भारतीय समाज के अध्ययन में निजात विज्ञान और भारत विद्या दोनों को साथ लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इन दो दृष्टिकोणों और इसका तर्क दिया गया है कि इन दो दृष्टिकोणों के माध्यम से भारतीय संविधान की संरचना की पुनर्संरचना करना संभव है। तो फ्रेंड्स ए और आर दोनों सही है, और ए का आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, यानी कथन कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी ओरिजिन ऑफ दी फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड दी स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। दी ओरिजिन ऑफ दी फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड दी स्टेट, तो ये पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है?
ये हैं एंजल्स, ठीक है, एफ एंजल्स। एफ एंजल्स कौन थे फ्रेंड्स? ये मार्क्स के फ्रेंड थे, ठीक है, जिन्होंने मार्क्स की बहुत ही हेल्प की थी, ठीक है। तो ये एंजल्स जी ने ये बुक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ठीक है। ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न। तो ये जो पुस्तक के लेखक हैं ये कौन है? ये हैं विलियम जे गुडे। बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट बुक है गुडे जी की, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये हमें एग्जामिनेशन में आगे मिलनी ही मिलनी है। यानी वर्ल्ड रिवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न जो पुस्तक लिखी थी ये लिखी थी विलियम जे गुडे जी ने, ठीक है। आइए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि पश्चिमी समुदायों में युवाओं के बीच सहवास मुख्य रूप से है, ठीक है। तो ये क्या है? पश्चिमी समुदायों में युवाओं के बीच जो सहवास है वो मुख्य रूप से किस कारण से है? तो यह है विवाह का विकल्प, ठीक है, विवाह का विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी फ्रेंड समय लग रहा है 2018 में या 19 में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था, ठीक है, तो इसको आप लर्न करके रखिएगा। ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संपूर्ण संस्था नहीं है, ठीक है, नहीं पे भी हमें फोकस करना है। कभी कभी हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि है, ठीक है, और नहीं पे ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संपूर्ण संस्था नहीं है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है फ्रेंड्स? एक कॉन्वेंट स्कूल तो ये है, ठीक है, एक मानसिक रोगी आश्रम, इसमें भी ये अपने आप में संपूर्ण संस्था है, ठीक है, एक बोर्डिंग स्कूल, इसका भी पूरा अपना सिस्टम है, ठीक है, ये भी एक संस्था, लेकिन एक क्रूज ये नहीं है, ठीक है, एक क्रूज ये नहीं है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार कार्य प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया, ठीक है, संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार, ठीक है, के बीच किसने अंतर बताया। ये क्वेश्चन अभी जून के थर्ड पेपर में हमने आपको डिस्कस करवाया था इसके पहले 2014 में, ठीक है। संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार यानी नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल, ठीक है, नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल डिस्फंक्शन के बारे में कौन चर्चा करता है फ्रेंड्स? ये करते हैं एमाइल दुर्खीम जी, ठीक है, सामान्य और विकृत प्रकार, तो इसको एमाइल दुर्खीम जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन टू, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुनः समाजीकरण का अभिमुखीकरण है, यानी पुनः समाजीकरण मीन्स री सोशलाइजेशन, ठीक है, तो उसका मुख्य अभिकरण क्या है फ्रेंड्स? वो है प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, ये कहाँ से होगा? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ये पुनः समाजीकरण होता है यानी री सोशलाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीडिया संचार निम्नलिखित में से किसका अभिकरण है, ठीक है, जो मीडिया संचार है वो निम्नलिखित में से किसका अभिकरण है? तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा द्वितीयक समाजीकरण, ठीक है, ये किसका हो जाएगा? द्वितीयक समाजीकरण, ठीक है। तो ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारी सीरीज कंप्लीट हुई, और थैंक यू फ्रेंड्स।